लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। निर्माता व अभिनेता प्रकाश अवस्थी की बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म मोरबाई हाईफाई आगामी 26 जुलाई को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित होने वाली है। आज इस फिल्म के कलाकारों ने मीडिया से बातचीत की। चर्चा के दौरान अभिनेता प्रकाश अवस्थी, निर्देशक नितेश लहरी, चरित्र अभिनेता अनुपम वर्मा उपस्थित रहे। फिल्म के अभिनेता व निर्माता प्रकाश अवस्थी ने बताया कि हम हमेशा साफ सुथरी फिल्में बनाते हैं जिन्हें महिला दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ देखती हैं। इसी कड़ी में यह फिल्म हर वर्ग के मनोरंजन के साथ एक संदेशप्रद फिल्म है। इसके गाने बहुत कर्णप्रिय हैं। प्रकाश ने बताया कि इस फिल्म में योगेश अग्रवाल एसपी की भूमिका में हैं और दीपाली पांडे उनकी पत्नी व निगेटिव भूमिका में हैं। वहीं अनुपम वर्मा पिता की भूमिका में हैं। इनके अलावा विजय मिश्रा और बाकी अभिनेताओं ने भी जबरदस्त अभिनय किया है। अभी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे फिल्म के निर्देशक, जो कि वो राइट हैंड साइड में बैठे हैं, भाई नितेश लहरी जी। ये पहले भी बहुत सारा फिल्म के निर्देशन कर चुके हैं, उसके बारे में भाई नितेश जी बताएंगे। लेकिन ये मोरबाई हाईफाई फिल्म निर्देशित करे हैं, फिल्मों में जुड़े हैं, अभी जुड़े के लिए कोई आइडिया नहीं। मोर लेफ्ट साइड में बैठे हैं अनुपम भैया जी, अनुपम वर्मा जी, जो कि स्वयं एक निर्देशक हैं, निर्माता टीवी से निभा के और फिल्म में चार चांद बना दे। तो ये फिल्म का मैं हाँ बहुत दिन बाद लेके बीच में मैं लगता तो पूरा गैप के बाद में ये फिल्म लाया। कारण ये है कि हर बार आपका किरदार पिक्चर में अलग रहता है। इस बार हवलदार का सीन है, पिक्चर का नाम हाई हाई मोबाइल, ऐसा क्या कुछ मसाला इस पिक्चर में निकलेगा? मोला ये बात लगती है कि कलाकार तभी कलाकार है जो वो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करे। मोर अंदर भी अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने की भूख है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक कॉमन मैन के भूमिका में निभाऊँ। जैसे मैं टूरा रिक्शा वाला के रहते रिक्शा वाले की भूमिका निभाए। एक फिल्म आने वाला है डेनोसियार, जिसमें मैं चपरासी हूँ, स्कूल के चपरासी बने। तो वैसा एमा मोर किरदार जो है वो एक हवलदार के, पुलिस हवलदार के है, ओकर फैमिली की कहानी है समझ लो। तो जब ये फिल्म के हम प्लान करें, नितेश जी हम प्लान करे रहे, तो हम बहुत सोच विचार करें, नितेश जी फिल्म ला लिखी भी, डायलॉग भी लिखे और सब हम प्लान करके जब करें। और फिल्म में ये रीस है कि जो मोर पत्नी के जो कैरेक्टर है वो सृष्टि देवांगन जो बिलासपुर से बिलोंग करते वो करें, और सृष्टि अपन किरदार ला बहुत अच्छा से निभाए है। और फिल्म की कहानी में एक बात रही है, तो हमन अलग अलग बहुत सारा नाम सोचते रहे, तो नाम में हमन ये लगी कि कुछ ऐसे नाम रखत, काबर की सतीश जैन जी से मैं ये सीखे हूँ कि नाम भी जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, जेकर से लोगन के अंदर में फिल्म देखने के लिए गुदगुदी हो। तो जब ये नाम रखे हूँ और जब मैं लोगन के बीच में कभी भी मैं मंच में गए हूँ और सामने अगर 10,000 की भीड़ भी है, तो जब ये नाम बताया फिल्म के कि मोर ये फिल्म आने वाला है मोरबाई हाईफाई, तो लोगन के अंदर में गुदगुदी छा गए, लोगन के अंदर हंसी निकल गए। तो बोला लगता है कि ये मोर नाम कहीं ना कहीं सक्सेस है। हालांकि कई जन मन बोला थोड़ा कटाक्ष भी करें कि भैया आपके नाम में इंग्लिश है, लेकिन वो बात अपन जगह है। मोर फिल्म बहुत साफ सुथरा, बहुत शानदार और बहुत मेलोडियस, बहुत गहराई से भरे हुए फिल्म है। और बोला लगता है कि ये लोगन ला मोर दीदी बहनी मन जो छत्तीसगढ़िया दीदी बहनी मन है, जिन मन माया टूर टूरा रिक्शा वाला जैसे फिल्म ला पसंद करी, वो मन जरूर पसंद करी। एक शूटिंग हो है पाटन क्षेत्र में करे हैं, रूही गांव में, रूही के अलावा मेरे के 3-4 गांव हैं और वहां करे हैं। गाना वाना के जो ब्यूटीफुल लोकेशन है वो बाग बारा के आसपास है, रायपुर नया रायपुर में सेक्टर 26-7 के आसपास जो मार्केट है वहां भी करें। फिर नया रायपुर के गार्डन बहुत खूबसूरत है, मुक्तांगन है, सब जगह हम शूटिंग करें। फिल्म में पहली 5 गाना रिलीज है, लेकिन एक गाना मैं हटा दें, थोड़ा सेट सॉन्ग रिलीज है और बाद में रिलीज करूँ मैं वो गाना हटा के। अभी एक फिल्म में 4 गाना है और चारों गाना बहुत ही शुभ है। कैसा टाइटल है, क्या नारी महिला प्रधान फिल्म है? क्या महिला प्रधान आप नहीं बोल सका, काबर की महिला प्रधान बोले से ये हो जाता है कि केवल महिला की बात की गई, ऐसा नहीं है। ये नाम एक हरसे रखे हूँ कि महिला दर्शक वो चीज से अट्रैक्ट हो सके, बात ना समझ सके, लेकिन फिल्म में महिला के रोल बहुत महत्वपूर्ण है
औखर सशक्त भूमिका दिखाए गए, तो कहीं ना कहीं ये नाम टाइटल जो है वो महिला अलग बिलोंग करता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो पुलिस विभाग का जो काम रहता है, आम हवलदार, एक कांस्टेबल, चाहे वो एसपी रहे चाहे वो टीआई रहे, दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी परेशानी आती है, क्या इस फिल्म में आपने जो किरदार निभाया उस परेशानी को भी आप दर्शकों के सामने रखेंगे? कुछ एक चीज़ों को देखिए, हम जब फिल्म बनाए हैं तो एक कहानी होती है, कहानी की एक बेस होती है, वो बेस किस आधार पे काम करते हैं वो चीज़ देखे जाते हैं। तो पुलिस विभाग के अगर हम वर्दी महल तो खैर ये कहानी में ये नहीं है कि पुलिस विभाग पूरा दिखाई गए, ये एक फैमिली ड्रामा है, तो पुलिस विभाग के बारे में भी थोड़ा बहुत शानदार मैसेज होगा रहे माँ जो आपका फिल्म देख के ही पता चले। एक महत्वपूर्ण चीज जो मोला लगते हैं दूसरे फिल्म से हमारे फिल्म से जो विशेष फर्क है वो एक बार देखने में मिली। आमतौर में अभी तक जितना भी फिल्म रिलीज हुआ या मैं देखा था, तो मैं लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हूँ, खुद रंगमंच से भी हूँ और मैं देखता हूँ लगातार प्रेजेंटेशन में देखें प्रस्तुतिकरण में देखें टेक्निकली, तो खैर समय के साथ बदलाव आते थे, एक से एक तकनीकी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाते कैमरा लाइट वगैरह में, लेकिन एक चीज़ में अभी भी दूसरे फिल्म मेकर मन बोला रखते कि चुप जाते हैं वो है अभिनय। अभिनय अभी भी बनावटी पड़ रही, नाटकीयता रखते हैं, स्वाभाविक नहीं लग, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो हम मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि ये फिल्म में जो भी कलाकार हो, चाहे वो छोटे से छोटे किरदार हो या जो भी बड़े किरदार हो, जैसे भी किरदार हो, बहुत ही स्वाभाविक लगे, बहुत नेचुरल लगे, कहीं भी नहीं लगे कि नाटक नौटंकी लगा थे, एक रियलिस्टिक आम बोल चाल की जिसे आप हर तक की जिसे कुछ भी डायलॉग हो कुछ भी सीन अदायगी तो बहुत स्वाभाविक लगे, पारिवारिक लगे, जैसे हम अभी आपस में आमतौर पर बातचीत करते हैं वो फीलिंग्स आए थोड़ा से कबर की कहीं ना कहीं सिनेमाई दृष्टिकोण से हमारा ड्रामेटिक भी करें पड़ते तो उसका भी बैलेंस रखें ताकि बहुत ज़्यादा एकदम स्वाभाविक ना लगे, एकदम ज़्यादा स्वाभाविक लगे से भी आदमी ना वो सिनेमा की टच नहीं मिला, लुक नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। लेकिन कोशिश पूरा ये है कि जो मुंबई को नहीं बोल सकते, मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो फिल्म मेकिंग होते जो स्वाभाविकता होते जो बड़े स्तर की फिल्म बन रही वो हम ला के पूरा कोशिश करें। एक शब्द लिखा है हाई फाई, हाँ बारे में जानना चाहता हाई फाई मतलब हीरोइन की क्या किरदार है, हाई फाई लिखा है मतलब किस टाइप के वो हाई फाई होगा किरदार होगी? सही है, बहुत सही जवाब है, हाई फाई शब्द की वैल्यू बहुत बड़ी है, जा सकते थे एक पॉजिटिव भी जा सकते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ वो फिल्म में जो हाई फाई है वो 100% पॉजिटिव, वो भी पिक्चर देखी बोला हीरोइन से प्यार हो गई, वो खत्म लगा हो गई, ये बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.